नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके चैनल डिजिटल बैंकिंग इंडिया। यदि आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के सालाना चार्ज के बारे में। पहली साल किस कार्ड में कितनी फीस लगती है और यह भी जानेंगे कि दूसरी साल से कितनी फीस लगेगी। दोस्तों, ये है आईसीआईसीआई बैंक के अलग अलग वेरिएंट कार्ड। अब हम एक नज़र डालते हैं चार्जेस के ऊपर। अभी हम हैं बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह आप जो ज्वाइनिंग फीस देख रहे हैं, ये पहली साल लगती है। आपका कौन सा कार्ड है उसका चार्ज उसके सामने दिया हुआ है। इसमें आपको जीएसटी और ऐड करना है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका एक्सप्रेस डेबिट कार्ड है तो आपको 499 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा पहली साल, यानी कुल 588 रुपये आपके पहले साल कटेंगे। इसी तरह जैसे आपका यूनिफेयर डेबिट कार्ड है तो उसका 299 प्लस जीएसटी आपको पहले साल देना होगा। अब बात करते हैं दूसरे साल से लगने वाले फीस के बारे में। सेकेंड ईयर से फीस की अलग अलग कैटेगरी हैं। आपके ब्रांच की लोकेशन कहाँ पर है उस हिसाब से चार्ज तय होता है। जैसे आपके ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच है तो 99 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। बाकी ब्रांचों में 150 प्लस जीएसटी सालाना चार्ज देना होगा, यानी कि 177 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार से बाकी कार्डों की दूसरे साल से लगने वाली फीस यहां पर दिखाई गई है। इस राशि में आपको जीएसटी भी जोड़ना है। यदि आप पूरी डिटेल पीडीएफ में चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें। डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।